हैं? कहाँ पे आए हम वोटिंग करने? आ जाओ। हम कहाँ पे आए? हम आए हैं बलसका रोड। लग रहा है ना, खुश हो रहा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी और आबू की तो बल्ले बल्ले हो गई है और आज हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत टाइम बाद हम जो है कहीं घूमने निकले हैं और ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से है। वो आपको कैमरा में शायद ही नज़र आए, और क्योंकि मैंने उनको जो है हटा दिया है, उनको कैमरे से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो चलो हटाओ, उनकी बातें नहीं करते हैं हम, फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ की। तो जहाँ हम आए हुए हैं, यह है एक लेक जिसे हम झील कहते हैं। ये हमारे घर के पास ही पड़ती है। मैंने इससे पहले कभी नहीं बताया कि हम कहाँ रहते हैं, तो मैं आप बता देती हूँ। हम दिल्ली बुराड़ी में रहते हैं और बुराड़ी में ही एक भलसवा लेक के पास हम आए हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। बहुत सी जो है फ्रेंड्स फैमिलीज यहाँ पर आती हैं इंजॉय करने। शाम के टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, होती है और है भी। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, बोटिंग कर रही है, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बगल में साथ में ही एक पार्क भी है जहाँ मैं आपको कुछ देर बाद लेके चलूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम बोटिंग का मज़ा ले लें और आपके साथ करने वाले हम ढेर सारी बातें फिलहाल कर लेते हैं थोड़े से इंजॉय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पैडलिंग कर रहे हैं। तो एक साइड से मैं कर रही हूँ, एक तरफ से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और आबू कह रहा है कि मैं भी करूँगा। मेरे तो यहाँ पैर छोटे पड़ रहे हैं, यहाँ आबू को अपनी लगी पड़ी है तो वो अपने हाथों से ही करने लग गया। मैं और आबू दोनों ही जो है खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे हस्बैंड भी खुश हैं पर वो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बट क्योंकि उन्होंने बहुत घूमा फिरा है, पर उनको इतना ज़्यादा शौक नहीं है, पर मुझे है। हमारे आसपास इतना सारा पानी देख के जो है मज़ा ही आ गया है। और मैंने बहुत कम जो है घूमी फिरी हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। पानी देख के तो अपना ही एक, पानी का तो अपना ही एक मज़ा है जिसको देख के एक ख़ास तरह की खुशी होती है। आसपास जो आप देखिए बहुत सारी जो है भीड़ है, पानी जो है क्लीन नहीं है। आप देखेंगे तो थोड़ा मटमैला सा है और थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। उसकी वजह है जो आसपास का एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग गाय भैंस पालते हैं और वो जो उनकी जो गोबर होती है वो इसी लेक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बट अब जो लोग, जो सरकार है, उसे इस लेक की जो है कीमत समझ में आ रही है और उसे क्लीन करवाने में लगी पड़ी है। कुछ टाइम बाद जो है ये शायद लेक, शायद क्या, लेक जो है काफ़ी सुंदर हो जाएगी और जो जो इसके अंदर गंद वगैरह है वो सब निकल जाएगा, क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं और कितनी सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे लगता है ये साथ में जो है ये पार्क है। अभी हम यहाँ पे गए नहीं हैं, अभी जब हम बोटिंग कर लेंगे तो हम यहाँ पार्क में भी जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। पीछे वो जो है वो हाईवे है शायद, और वो बड़ा सा जो आपको पहाड़ सा दिख रहा है, एक्चुअली वो पहाड़ नहीं है, वो कूड़े का एक ढेर है। हम जो है ये देखिए, आपको बॉटल नज़र आएगी। ये कुछ लोग होते हैं ना, तो चीज़ों को गंदा करने में बड़े माहिर होते हैं, तो बस आप वही समझ लीजिए। थोड़ा पैडलिंग करते करते मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैं शिकायत करने लगी अपने हस्बैंड से। तो कभी मैं तो इतना किया भी नहीं है, उन्होंने ही किया है सब कुछ। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। आसपास बहुत ही अच्छा जो है नज़ारा है। ज़्यादा हमारे घर से ये दूर नहीं पड़ता,
हमने 15 मिनट या 10 मिनट बाइक पर हमने जो है बाइक से हम यहाँ पर आए हैं 10 मिनट की दूरी तय करके। पीछे आपको देखेंगे तो ये जंगल एरिया सा लग रहा है, एक्चुअली ये जंगल ही है लेकिन इसमें अच्छा सा एक गोल्फ कोर्स बना हुआ है, यहाँ पे गोल्फ खेली जाती है। और साथ पीछे आप जो देखेंगे वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, हम वहीं से आए हैं और आसपास जो है काफ़ी जो है बसावट हो चुकी है और ये थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट जैसा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए इंजॉय करना। सस्ता सा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, छोटा सा जो है इस पर खर्च हुआ है और छोटे से पैसे में हमने इतना सारा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ, बहुत ही ज़्यादा हमने मस्ती की। इतनी सारी बोट्स हैं आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और फैमिली के साथ जो है मज़ा करने में बहुत ही ज़्यादा फन फील हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ बहुत ही ज़्यादा। अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ कहीं जाना आना बहुत ही अच्छा लगता है और पानी के साथ तो एक अलग तरह की शांति मिल रही है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, भीड़ देखते देखते इतनी सारी हो गई है। मैंने इससे पहले कभी आपको लोकेशन नहीं बताया है तो आप यहाँ आइए, ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, कम बजट में बहुत सारा फन। और शाम होने को आई है तो हम चल रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ से हमारा टाइम जो है ओवर होने को आया है, तो आधा घंटा होने को आया हमको, तो अब हम जो है थोड़ी देर में ही यहाँ से उतरेंगे और जाएंगे फिर पार्क। मैं आपको बता दूंगा अगर आप आना चाहें तो ये हाईवे के पास थोड़ा सा जो है मेन रोड पड़ता है जो कि बुराड़ी भलसवा रोड के लेक पर है, लेक भलसवा लेक पर है। एक्चुअली आप मेरी बातों पर मत जाइएगा क्योंकि मैं लोकेशन बताने में बहुत ख़राब हूँ, मुझे लोकेशन बताने में बहुत ही दिक्कत आती है। उधर देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ सारी बिल्डिंग्स हैं, हम वहीं से ही आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट की दूरी पर ही है। और वो पीछे जो जंगल सा दिख रहा है वहाँ पर गोल्फ कोर्स है जैसे कि मैंने बताया, और आपने देखा भी कितनी भीड़ हो रही है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, मतलब बाबू बहुत खुश है। पर बाबू कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहता है जैसे कि वो तैरना चाहता है लेकिन उसे कौन समझाए कि ये पूल नहीं है, इसमें हम तैर नहीं सकते हैं और वो पानी भी क्लीन नहीं है। आप देख रहे हैं थोड़ा काला काला सा हो रहा है, तो ये सब गंदगी की वजह से है। हाँ बस थोड़ा टाइम पास के लिए अच्छा है, बोटिंग के लिए अच्छा है, तो अब हमारा हो गया है तो अब हम यहाँ से उतरेंगे और निकलेंगे पार्क के लिए। फाइनली तो हम पहुंच गए हैं पार्क, और पार्क में ये देखिए ये है एक जिम। जिम के अलावा यहाँ पे आप जो है और बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं, लाइक स्टॉल्स, बहुत सारे यहाँ पे खाने के स्टॉल्स हैं, फूड हैं। और आसपास के यहाँ पे जो है लोग हैं ना जो रहते हैं वो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए अच्छे से आ जाते हैं। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम में ही जो है यहाँ पे एक शूटिंग हो रही है। मैं फ़िलहाल भुट्टा ढूंढ रही हूँ पर मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको पापड़ वाला ज़रूर मिल गया, तो वो तो अपने ले रहा अपनी पसंद की चीज़ और मैं ढूंढती हूँ भुट्टा। तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग चल रही है, शायद ये टिकटॉक, यूट्यूब या फिर फेसबुक कोई भी जो है वीडियो हो सकता है, यंगस्टर कर रहे हैं और इस शूटिंग को देखने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं, भाग भाग कर जो है देखने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी फ़नी है और हम भी बैठ के थोड़ा सा देखने लग गए हैं, लेकिन देख के अब हम हो चुके हैं बोर। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं। आसपास जो है बहुत मज़ेदार है, एरिया बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पार्क है टाइम पास करने के लिए, और काफ़ी ठंडक भी है यहाँ पे क्योंकि ग्रीन एरिया है तो ठंडक तो होगी ही। तो हम निकल चुके हैं ये प्यारा सा डॉगी और मुझे लगता है कि मुझे भुट्टा मिल गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।